हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम देखते हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है, सरकार द्वारा वन संरक्षण के प्रयासों का वर्णन कीजिए। देखिए, वन संरक्षण का मतलब वनों को बचाना, उनको संरक्षित करना, उनको सुरक्षित रखना। तो सरकार ने कुछ प्रयास किए, कुछ कदम उठाए, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम, ये काम जो था वो ब्रिटिश सरकार ने किया था सन 1894 में। एक वन नीति अपनाई थी, एक वन नीति बनाई थी, जिनके अनुसार वनों की देखरेख करना, उनका विकास हेतु राज्य में वन विभाग की स्थापना की गई। इस नीति के द्वारा दो उद्देश्यों को मुख्य आधार बनाया गया, पहला राजस्व की प्राप्ति और वनों का संरक्षण। देख सकते हैं हम, स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात सरकार द्वारा किए गए कुछ कदम, कुछ प्रयास। सबसे पहले 1950 में एक केंद्रीय बोर्ड की स्थापना की गई, जो वनों के संबंध में नवीन नीतियां बनाई गई। चार बातों को ध्यान रखा गया इसमें। एक तो वनों के क्षेत्रों को बढ़ाकर 33.3% करना, दूसरा नए वनों को लगाना, नए पेड़ों को लगाना, वनों को संरक्षित करना, वनों के संबंध में अनुसंधान करना, खोज करना, रिसर्च करना। सेकंड पॉइंट है इसका, 7 दिसंबर सन 1988 को फिर से एक नई नीति का, वन नीति की घोषणा की गई। इसके प्रमुख उद्देश्य थे पर्यावरण में स्थिरता लाना, मतलब पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना, जीव जंतुओं, वनस्पति, प्राकृतिक धरोहर की रक्षा करना, उनको सुरक्षित रखना। और तीसरा पॉइंट है इसमें, लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं, वो जो वनों पर आधारित है, जैसे लकड़ी का इंतज़ाम करना, औषधि, फलों की पूर्ति, ये सभी लोगों की बुनियादी आवश्यकता है, तो इनको ध्यान में रखना। तीसरा पॉइंट है, सन 1988 में फिर से एक वन नीति की स्थापना की गई, जिसमें 20 वर्षीय राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना लागू की गई। इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य, उसको देखते हैं हम। सबसे पहला जो काम है, केंद्रीय वन आयोग का गठन। इसमें देख सकते हैं केंद्र सरकार ने 1965 में क्या किया, एक वन आयोग की स्थापना की गई। इसका क्या काम था, इसका काम था कि सूचनाओं और आंकड़ों को एकत्रित करना, और साथ में इनको जो तकनीकी बोर्ड है इनको प्रसारित करना, बाजारों का अध्ययन करना, और वन विकास में जितनी भी संस्थाएं लगी हैं इन सबको समर्पित करना, इनका लेखा जोखा रखना। सेकंड पॉइंट, भारतीय वन संरक्षण संगठन, वनों में क्या क्या वस्तुएं उपलब्ध हैं उनका पता लगाना, और 1971 में इस गठन की स्थापना की गई, भारतीय वन सर्वेक्षण। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं अब इसका। तीसरा पॉइंट है वन अनुसंधान संस्था की स्थापना। देख सकते हैं ये क्या काम कर रहा है। इसकी स्थापना देहरादून में की गई, वहां के वनों से संबंधित अनुसंधान और शिक्षा देने के लिए संस्था की स्थापना की गई है, ताकि जो विद्यार्थी हैं उनको अनुसंधान और वनों की शिक्षा दी जा सके। इसके चार क्षेत्रीय केंद्र हैं, एक है बेंगलुरु, कोयम्बटूर, जबलपुर और बोर्नेहट। यहाँ पर इस संस्था के चार केंद्र स्थापित किए गए। अगला है क्राफ्ट कला, शिल्प विज्ञान जिसको कहते हैं, प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना। देख सकते हैं राज्य सरकार के वन अधिकारी और कर्मचारी, उनको लकड़ी काटने का प्रशिक्षण देने के लिए 1965 में देहरादून में क्राफ्ट कला प्रशिक्षण केंद्र स्थापना की गई वहां पर। चलिए पांचवा पॉइंट देखते हैं, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना। देखिए, वन संसाधनों और जो प्रबंधन व्यवसाय है, ये जो नवीन बातें हैं, है ना, नवीन बातों की जानकारी के लिए 1978 में एक स्वीडिश कंपनी ने अहमदाबाद में इसकी स्थापना की गई, भारतीय कंपनीज के साथ मिलकर।
इसके बाद केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई, एक तो अहमदाबाद में और दूसरा मध्य प्रदेश के भोपाल में। चलिए छठा पॉइंट देखते हैं इसका है, वन महोत्सव। देखिए वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाना, लोगों को वनों के महत्वपूर्ण जो लाभ है उसके बारे में जानकारी देना, जनता में वनों के प्रति सहानुभूति पैदा करने के लिए वन महोत्सव का जो है वो एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो तत्कालीन जो कृषि मंत्री थे एम मुंशी, सन 1962 में वन महोत्सव की स्थापना की गई और इनका मुख्य उद्देश्य था वनों को बचाना, वृक्ष लगाना। और ये जो वन महोत्सव है वो प्रतिवर्ष हर वर्ष 1 से लगा के तो 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। चलिए उसके बाद में है वन अग्नि नियंत्रण परियोजना। चलिए ये परियोजना जैसे नाम से पता चल रहा है आपको कि वनों में जो लगने वाली जो आग है इसके कारणों का पता लगाना और उसकी रोकथाम करना, इसके लिए महाराष्ट्र के चंद्रपुर नैनीताल के सहयोग से एक आधुनिक वन अग्नि नियंत्रण परियोजना शुरू की गई जो देश के 10 राज्यों में अभी चलाई जा रही है। उसके बाद में संयुक्त वन प्रबंधन। देखिए संयुक्त वन प्रबंधन की बात कर रहे हैं हम, तो ये जो प्रबंधन है ये व्यवस्था को अपनाया गया, इसके अंतर्गत लगभग 70,000 हेक्टेयर क्षेत्र नष्ट हो चुके वनों को फिर से विकसित करना और इसके लिए 35,000 ग्रामीण वन सुरक्षा समितियों की स्थापना की गई है ताकि ये जो नष्ट हुए जो क्षेत्र है उनको पुनर्स्थापित कर सके। चलो 10वां पॉइंट है इसका, वन संरक्षण अधिनियम। चलो 1980 में भारत सरकार ने एक वन संरक्षण अधिनियम, चलो 1980 में भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। इसके अंतर्गत जो वन भूमि है वो सरकार के अनुमति के बिना कृषि भूमि में परिवर्तित नहीं की जा सकती, इसमें प्रावधान निश्चित किया गया है। सरकार ने वनों को 4 भागों में बांटा है, पहला है सुरक्षित वन, सेकंड राष्ट्रीय वन, थर्ड है ग्राम्य वन और जो फोर्थ है वो वृक्ष समूह। उसके बाद में प्रबंधन की दृष्टि से इसको 3 भागों में बांटा गया है, पहला है आरक्षित वन, यह 52%, सुरक्षित वन 32% और अवर्गीकृत वन 16%। ये सारे जो निकाय है वो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत आते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बहुत ही सिंपल है, वन प्राणी संरक्षण की आवश्यक है और इसके लिए किए जा रहे उपाय के बारे में आपको बताना है। देखिए जिस तरह से मानव इस धरती पर एक महत्वपूर्ण जीव है उसी तरह से अन्य जो वन्य प्राणी है वो भी इसका एक हिस्सा है। हम देख सकते हैं कि वन्य जीवों से हमें क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हो रही है, हाथी दांत है, मांस है, खाल है, विभिन्न प्रकार की औषधि जो कि मानव अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर रहा है। अगर ये समाप्त हो जाएगी तो मानव का जो जीवन है वो खतरे में आ जाएगा। ये हमारे पर्यावरण को संतुलित कर रहे हैं, जो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल है इसको भी ये संतुलित कर रहे हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन इनकी संख्या में लगातार कमी आती जा रही है। कुछ प्रजातियां जो है वो विलुप्त हो चुकी है या फिर विलुप्त होने के कगार पे आ चुकी है। चलिए आगे देखते हैं हम इसके, तो सबसे पहले मानव का कर्तव्य है कि वो इन वन्य प्राणियों का संरक्षण करें। चलिए देखते हैं इसके संरक्षण के उपाय। पहला है वन्य जीव के प्राकृतिक आवास को बिना हानि पहुंचाए नियंत्रित करना, सुरक्षित करना, वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना और नए वन्य क्षेत्र में जीव मंडल रिजर्व की स्थापना करना, लुप्त रहे जीवों का पूर्ण विस्थापन के लिए राष्ट्रीय पार्क अभयारण्यों की स्थापना
करना। उसके बाद वन्य जीव प्रबंधन की योजनाओं को ईमानदारी से लागू करना। और लास्ट है जो वन्य जीवों के प्रति लोगों की जो मानसिकता है उसको परिवर्तन हेतु शिक्षा और जागृति का विकास करना।